भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-491। नवगछिया में इंटर की परीक्षा सभी पांचों केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा प्रथम दिन हुई संपन्न। इंटर की परीक्षा में पहले दिन प्रथम पाली में 18 एवं द्वितीय पाली में 56 परीक्षार्थी परीक्षा से रहे अनुपस्थित। नवगछिया पुलिस जिला में चल रहे 5 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा के प्रथम दिन सोमवार को दोनों पालियों में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। दोनों पालियों में हुई परीक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर से सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रथम पाली में हुई भौतिक विषय की परीक्षा में सभी पांचों केंद्रों पर कुल 887 परीक्षार्थियों में से 869 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 18 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में हुई आरबी हिंदी एवं इतिहास के 2992 परीक्षार्थी में 2936 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 56 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान प्रथम पाली में 9 बजे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे, जहां परीक्षार्थियों की जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। परीक्षा के दौरान एसडीओ मुकेश कुमार, एसडीपीओ प्रवेंद भारती, डीसीएलआर परमानंद शाह केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे व परीक्षा का जायजा ले रहे थे। बनारसी लाल सराफ कॉलेज में प्रथम पाली में कुल 172 परीक्षार्थी में 169 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, 3 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। किस सब्जेक्ट का था? फिजिक्स। कहाँ पे सेंटर है? मदन एरिया। एग्जाम इसके बारे में क्या करना है? आज जो क्वेश्चन आया इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं? जो पढ़े थे साल भर वो उसमें से ही आया है, सिलेबस से एक भी बार नहीं गया। हार्ड था या इजी? बहुत इजी क्वेश्चन था। जो मन से पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत इजी ही है, जो नहीं पढ़ा ध्यान नहीं दिया होगा। परिचय दे दें। मेरा नाम उमा भारती। नवीन शैक्षणिक योजना में बाल भारती विद्यालय को मिला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार। दिल्ली में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मेधा सम्मेलन 2020 में बाल भारती विद्यालय नौगछिया को नवीन शैक्षणिक योजना में सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह को संजीव एनसीईआरटी, मेजर हर्ष कुमार और सचिव भारतीय शिक्षा बोर्ड LR सैनी के द्वारा उत्कृष्ट स्कूल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उक्त जानकारी विद्यालय के प्रशासक DP सिंह ने दी। इस सफलता पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पवन कुमार सराफ, उपाध्यक्ष अजय कुमार उंगटा, सचिव जगदीश प्रसाद मावंडिया, सदस्य बालकृष्ण पंसारी आदि ने विद्यालय के प्राचार्य एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं दी है। नौगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है IAS IPS की तैयारी। नौगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 8803-0437-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए, नौगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। नवगछिया 1,75,00,000 की लागत से डुमरिया तिनटेंगा सड़क का निर्माण। 4.9 किलोमीटर सड़क में PCC एवं कालीकरण से होगा निर्माण। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के डुमरिया चौक से लेकर तिनटेंगा तक जंजर सड़क का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ होगा। सड़क निर्माण को लेकर विभाग के द्वारा निविदा निकाल दी गई है।
सड़क का निर्माण 1,75,00,000 की लागत से किया जाएगा। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल के पीए मुन्ना जायसवाल ने कहा कि सड़क काफी जंजर हो गई थी। सड़क के निर्माण को लेकर वहां के लोगों के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था। सड़क की जंजर स्थिति को देखते हुए विधायक द्वारा पहल किया गया है। उनके पहल के उपरांत सड़क निर्माण की निविदा निकाल दी गई है। अब जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। वहीं उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण पीएमयूएसवाई H2 योजना के तहत किया जाएगा। सड़क डुमरिया चौक से सिमरिया होते हुए तिनटेंगा तक बनाया जाएगा। सड़क की लंबाई 4.9 किलोमीटर है। नवगछिया सड़क दुर्घटना में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत। सड़क दुर्घटना में घायल परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर पंचायत के शंकरपुर निवासी दिनेश मंडल की मौत हो गई है। दिनेश मंडल की मौत के बाद परबत्ता पुलिस द्वारा उसके शव का पोस्टमार्टम नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि 24 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल होने के कारण मायागंज अस्पताल से रेफर कर दिए जाने के बाद पटना में उनका इलाज चल रहा था। वहीं इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई है। दिनेश मंडल की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल CBSE एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 9वीं तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177 9934855177। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। नवगछिया अनुमंडल एवं भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। नवगछिया झारखंड के व्यवसायी की लूटी गई स्कॉर्पियो पटना में बरामद। 28 जनवरी की रात को अपराधियों ने व्यवसायी व चालक को बंधक बनाकर घटना को दिया था अंजाम। 28 जनवरी की देर रात थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल के बिजली पोल पाया संख्या 15 के पास से अपराधियों द्वारा झारखंड के गोड्डा जिले के टहरी निवासी व्यवसायी अजीत कुमार की लूटी गई स्कॉर्पियो पटना पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने देते हुए बताया कि बख्तियारपुर फोर लेन के पास से बख्तियारपुर पुलिस टीम के द्वारा बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस टीम ने अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पटना में स्कॉर्पियो बरामद होने के बाद परबत्ता पुलिस पटना पहुंचकर स्कॉर्पियो की पहचान की है। मालूम हो कि 28 जनवरी की रात 12 बजे परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पर बिजली पोल पाया संख्या 15 के पास अपराधियों ने झारखंड के गोड्डा जिले के मेहराम थाना क्षेत्र के इटहरी निवासी व्यवसायी अजीत कुमार व उनके गाड़ी के चालक को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों ने स्कॉर्पियो के साथ साथ व्यवसायी व उनके चालक के पास रखे नगदी, मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी, चैन, घड़ी, दोनों का मोबाइल फोन, ATM कार्ड व अन्य दस्तावेज की लूट की है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने व्यवसायी और उसके चालक को हाथ पर बांधकर विजय घाट पक्का पुल पहुंच पथ के बहियार में छोड़ दिया था। घटना के संदर्भ में पीड़ित व्यवसायी अजीत कुमार ने 8 अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नारायणपुर में MDM खाने के लिए थाली लेकर विद्यालय जा रही छात्रा जख्मी। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH31 बिरबन्ना चौक के समीप सोमवार की दोपहर लगभग 12:15 प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोला बिरबन्ना की दूसरी कक्षा की छात्रा सादिया खातून 8 वर्षीय वाहन के धक्के से जख्मी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सादिया खातून MDM खाने के लिए शिक्षकों से छात्रा को बर्तन लाने के लिए घर भेजा गया था। अन्य दिनों की तरह छात्रा सदिया थाली लेकर घर से विद्यालय की ओर MDM खाने के लिए NH31 पार कर रही थी। वहीं वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी हालत में ग्रामीणों ने इलाज के लिए मथुरापुर बाजार के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। छात्रा की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। मामले को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार ने कहा कि विद्यालय में बर्तन नहीं रहने के कारण छात्र अपने घर से थाली लेकर आते हैं। वहीं जख्मी छात्रा की मां समीना खातून का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने बताया कि विद्यालय के शिक्षक बच्चों को घर से थाली लाने के लिए भेजता है। यदि विद्यालय में थाली रहता तो आज मेरी बच्ची इस दुर्घटना का शिकार नहीं होती। वहीं MDM साधन सेवी रंजीत मालाकार ने कहा कि विद्यालय में थाली की राशि नहीं भेजी गई है, जिसके कारण विद्यालय में थाली की खरीदारी नहीं की गई है।
वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया के NH 31 टोल प्लाजा के आगे मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर टोल प्लाजा के आगे हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में मधेपुरा जिले के आलमनगर निवासी बिजल शर्मा एवं पांडला शर्मा शामिल हैं। दोनों घायलों का इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। गोपालपुर कृषि पदाधिकारी ने चयनित गाँव में लगाया शिविर। गोपालपुर प्रखंड के चयनित गांव कालूचक में कृषि विभाग तथा आत्मा भागलपुर के द्वारा शिविर लगाकर किसानों से सामरिक अनुसंधान AES दल 11 के द्वारा गांव में उपलब्ध सभी संसाधनों की जानकारी ली। मौके पर BO रतन कुमार चटर्जी एवं आत्मा के पदाधिकारी मुखिया खगेश सिंह व पंचायत समिति सदस्य सुशील गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखी गयी।